हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हों और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर दोबारा से आप लोगों के लिए एक मतलब बहुत ही ढेर सारे टिप्स लेके आई हूँ हिचकी के, कि आपकी हिचकी तुरंत ही बंद हो जाए। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड की थी अपने चैनल पे, हिचकी के बारे में बताया था। तो आज मैं बहुत ढेर सारे टिप्स आप लोग को बताऊंगी कि हिचकी तुरंत ही आपकी बंद हो जाए। और काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं, हिचकी बहुत ज़्यादा आने लगती है। किसी किसी को तो खाना खाने के बाद हिचकी आने लगती है। कोई खाना खाता है, जैसे चावल कोई खा रहा है तो भी उसको बहुत तेज हिचकी आने लगती है। तो इससे बचने के बहुत ढेर सारे उपाय हैं। तो इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो का जो अपडेट है वो आप तक पहुंच सके। तो अगर आपको पहला टिप्स है, अगर आपको बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है तो जो ये चॉकलेट पाउडर होता है वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। उसको आप पानी में घोल करके आप चॉकलेट के पाउडर को पी सकते हैं, उससे आपकी हिचकी तुरंत बंद हो जाएगी। और दूसरा मैं उपाय जो बताने जा रही हूँ वो भी बहुत ही असरदार है। तो दूसरा ये है कि अगर आप हिचकी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हिचकी नहीं बंद हो रही है, तो सभी के रसोई में शक्कर रखा होता है यानी चीनी। तो सभी लोगों के घर में चीनी रहती है। अगर हिचकी आ रही है तो आप तुरंत एक चम्मच चीनी मुंह में डाल लीजिए और उसको धीरे धीरे चूसिए, उससे भी आपकी हिचकी तुरंत बंद हो जाएगी। और तीसरा टिप्स है वो भी बहुत ही लाभदायक है। तो अगर आप हिचकी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी उपाय करके आप थक चुके हैं, तो आप जो है अदरक का एक टुकड़ा ले लीजिए और उसको अच्छे तरीके से मतलब छील के उसको धुल लीजिए, पानी से साफ़ कर लीजिए और उसमें नमक लगा के उसको थोड़ी देर तक चूसिए, उससे भी आपकी जो हिचकी है तुरंत बंद हो जाएगी। तो और उसके बाद जो चौथा उपाय है, ये तो सबको मालूम है, हिचकी आने के बाद लोग पानी पीते हैं। तो आप पानी में एक चम्मच चीनी डाल के और या फिर आप अपने पानी में एक चम्मच मधु डाल के, यानी हनी जो होती है उसको आप डाल के एक चम्मच, थोड़ा सा पानी को गर्म कर लीजिए और एक चम्मच उसमें हनी डाल दीजिए और हनी डाल के उस पानी को आप पी जाइए, उससे भी आपकी हिचकी तुरंत बंद हो जाएगी। और चौथा उपाय है आपको, तो चौथा उपाय तो मैंने आप लोगों को बताया था। चौथा उपाय ये है कि आप कहीं भी अगर कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं या किसी जगह पे हैं, अगर हिचकी आ रही है, ये सब आपके पास नहीं है या ऑफिस में है या कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो आपके पास ये सब अवेलेबल नहीं है, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, किसी चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको तुरंत अपनी सांस को लगभग जितनी आपकी क्षमता हो उतने देर तक अपनी आप सांस को आप रोक सकते हैं। इसका वीडियो मैंने पहले भी अपने चैनल पर अपलोड किया है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि हमको कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रास्ते में हम कहीं भी रहेंगे तो इस चीज़ का हम सेवन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपनी सांस केवल बस रोकना है, जितनी आपकी क्षमता हो उतने देर तक आप अपनी सांस को रोक लीजिए। तो इसके बाद मैं फिर आप लोगों के बीच आऊँगी और भी काफ़ी ढेर सारे टिप्स लेके। तो अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, अगर ये टिप्स मेरा अच्छा लगे
तो प्लीज़ आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं तो आजमा के देख चुकी हूँ और आप लोग भी आजमाइए और इसका फ़ायदा देखिए, फिर बताइए कमेंट बॉक्स में कि मेरा ये जो टिप्स बताई हूँ ये आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मैं मिलेंगे ऐसे कुछ खास वीडियो को लेके आप लोगों के बीच में आऊँगी। तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।